बड़ी खबर, सलमान खान को सांप ने काटा, जाने लेटेस्ट अपडेट। सलमान खान 27 दिसंबर यानी कल को अपना 56वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, लेकिन अपने खास दिन से ठीक एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उनके फैंस को उनकी सेहत की चिंता सताने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले पनवेल स्थित फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां देर रात भाईजान को सांप ने काट लिया। इस खबर के आते ही फैंस को उनकी सेहत की चिंता सता रही है। सलमान खान के सांप के काटने के बाद उन्हें तुरंत आनंद फानन में नवी मुंबई के कमोटे इलाके के MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि सलमान को जिस सांप ने काटा था वो बिना जहर वाला सांप था, ऐसे में उनकी सेहत को लेकर कोई खतरा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान रात भर अस्पताल में रुके और इलाज के बाद सुबह करीब 9 बजे वापस पनवेल स्थित फार्म हाउस लौटे। बताया जा रहा है कि वो स्वस्थ है और जल्द रिकवर कर रहे हैं। सलमान खान के फैंस इस खबर के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी कर रहे हैं। फैंस के लिए हालांकि ये राहत की बात है कि सलमान की सेहत को कोई खतरा नहीं होने वाला है। भाईजान का जन्मदिन अब कैसे होगा, ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। हर साल सलमान खान अपने बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन फार्म हाउस पर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करते हैं। ऐसे में अब सलमान फार्म हाउस पर रेस्ट करेंगे या सेलिब्रेशन, या आने वाले वक्त में पता चलेगा।